से पहले तो इस बात की सराहना करता हूं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कि इन्होंने इस प्रकार का एक साइंस कन्क्लेव और जिसका शीर्षक रहा है कि राष्ट्र निर्माण में विज्ञान का योगदान, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अभी उभरते हुए वैज्ञानिक आगे बन सकते हैं उनको उस प्रकार की रुचि पैदा हो, उनको ज्ञानवर्धन हो और जितने भी देश के दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके जो रिसर्चेज हैं, उनके जो काम किए हुए हैं वो सबके सामने जब रखे जाएंगे तो सबको प्रेरणा मिलती है और विज्ञान के बिना आज एक भी कदम आगे बढ़ना संभव नहीं है। सब चीज़ें विज्ञान के ऊपर ही आधारित होकर के आगे बढ़ रही हैं। तथ्य तथ्य होते हैं लेकिन उन तथ्यों को विज्ञान से सिद्ध कर दिया जाए तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे देश को वैज्ञानिक शायद उतना महत्व नहीं देते रहे होंगे, पास्ट में, भूतकाल में तो बहुत वैज्ञानिक यहाँ हुए हैं लेकिन अभी निरंतर, अभी की जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण, जब देश में कोविड आया तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारतवर्ष के ऊपर एक शंका पैदा करनी शुरू कर दी कि शायद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतवर्ष का होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके ये कहा कि एक अच्छी वैक्सीन हम तैयार करें ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें, दुनिया के लोगों को भी बचा सकें। दो वैक्सीन हमने तैयार की और 200 करोड़ वैक्सीन वायल्स बना करके न केवल अपने देश में उसको सब लोगों को लगाया गया बल्कि दुनिया के और देश जो इसको नहीं लगवा सकते थे उनको भी हमने भेजा और एक मानव जाति के कल्याण के लिए हमारा कदम आगे बढ़ा। ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। आपने प्रधानमंत्री जी ने अब जो नारा दिया है जय जवान जय किसान, साथ में जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये उन्होंने जोड़ा है, तो विज्ञान और अनुसंधान इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए आज का ये सेमिनार, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। कार्यकारिणी की मीटिंग भी है सर, किस प्रकार का चिंतन मंथन वहाँ पर? देखिए ये पार्टी की कार्यकारिणी जो होती है उसका कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उसमें विधिवत रूप से आपको जानकारी देंगे। 2024 माना जाए सर इसको? अरे भाई 24 तो आना ही है और 24 में चुनाव भी है, तो मिशन मानना ना मानना विषय नहीं है। आखिर एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जुटे हैं, बाकी पार्टियां भी जुटी हैं, तो एक प्रकार की उसकी तैयारी स्वाभाविक है। देखिए कोई किसी प्रकार का तथ्य उसमें नहीं है बल्कि इन सरपंचों की, हमारे जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं उनकी हमने पावर्स बढ़ाई है, हमने ऑटोनोमी की तरफ उनको ले गए हैं, उनकी स्वायत्तता बढ़ाई है कि अब उनके जो फंड्स हैं वो प्रदेश सरकार उसमें कोई कलम नहीं चलाए कि उनके सारे फंड उनको स्पर्द किए जाएंगे। हाँ, काम करने के लिए पारदर्शिता ये ज़रूरी है। अब मन मर्जी से कोई कुछ भी कराएगा और कुछ भी किसी को देगा किसी से लेगा।